सावन की हरियाली तीज पर आज अर्जी वाले महादेव के यहाँ पर एक विशाल शहरसारा का आयोजन किया गया है। इस मंदिर की यह मान्यता है कि मनोकामना मांगने के लिए केवल अरदास लगाना ही मतलब नहीं होता है, बल्कि अपनी अर्जी पेश करनी होती है, और जब अर्जी पेश करी जाती है तो उनकी मनोकामना भोलेनाथ पूर्ण करते हैं, और उसके बाद श्रद्धालु अपने आके प्रसाद चढ़ाते हैं। भोलेनाथ के यहाँ पर अर्जी लगाने के लिए अजमेर और राजस्थान ही नहीं, देश के कोने कोने से भक्त अर्जी लगाने के लिए आते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। जय विश्वनाथ। ठीक है, परिचय आपका। शिव कुमार बंसल, समाज सेवी। अर्जी वाले महादेव महाराज की जय। यहाँ पर सभी भक्तजन आते हैं और अपनी अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए अर्जी लगाते हैं। जिसकी जैसी अर्जी होती उसकी उसी तरह से अर्जी वाले महादेव अर्जी पूरी कर देते हैं, उनकी भावना पूरी कर देते हैं। और यहाँ पे काफ़ी सालों से 50 सालों से ये कार्यक्रम होता रहा है लगातार, और सभी जब अपने भक्तों की सबकी अपनी अपनी मनोकामना पूरी करते हैं अर्जी वाले। ये कहाँ पे, किस जगह पे है? ये राजकीय रसायनशाला के अंदर स्थित है, पीछे पुष्कर रोड। यहाँ पे ये कैंपस सरकारी कैंपस है, और सरकारी कैंपस के अंदर ही यहाँ पे मंदिर स्थित है। करीब 50 साल से यहाँ पे बराबर सेवा, जब से रसायनशाला खुली है तब से मंदिर की लगातार सेवा हो रही है। आपका परिचय? मेरा नाम है ज्ञान प्रकाश कटारिया। अजमेर में स्थित रामनगर में स्थित हैं, जिन पर काफ़ी भक्त यहाँ पर आते हैं, और जो भी भक्त अर्जी वाले महादेव जी की अर्जी लगती है सोमवार और बुधवार को, और जो अर्जी लगाते हैं उनकी सबकी मनोकामना पूर्ण होती है, और भोले बाबा हर व्यक्ति हर इंसान की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, और जो भी भक्त आया उसकी हमेशा ही सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए आज का उत्सव बहुत अच्छा मनाया जा रहा है यहाँ पे, और काफ़ी भक्तों के लिए प्रसादी का प्रोग्राम और जल उसका सब प्रोग्राम किया जा रहा है, और यहाँ पर जिसकी जो भी व्यक्ति आते हैं उनकी सबकी मनोकामना। परिचय आपका? आपका परिचय? मेरा नाम संजय कुमार शर्मा। Pizza Point, Kangor, for delicious moments.